मांडवी से निकलकर अब मैं पहुंच चुका हूं राजकोट। राजकोट में मेरा एक रात रुककर जूनागढ़ जाने का प्रोग्राम है। एक भागता दौड़ता सा शहर है राजकोट। मांडवी से राजकोट की कुल दूरी है 281 किलोमीटर, जो बस में आप करीब करीब 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। राजकोट सौराष्ट्र की राजधानी और महात्मा गांधी जी के बचपन का शहर है। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी सौराष्ट्र के दीवान थे। यहीं पर गांधी जी ने अपना बचपन बिताया था और अपनी जिंदगी के शुरू के कुछ साल इसी शहर में रहे। मैं हूं कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया और आज के इस एपिसोड में मैं आपको गांधी जी का निवास स्थान, उनका स्कूल अल्फ्रेड हाई स्कूल, जुबली गार्डन, वॉटसन म्यूजियम आदि टूरिस्ट लोकेशंस के बारे में तो बताऊंगा ही, पर साथ ही साथ आपको कुछ गुजराती फूड्स जॉइंट्स के बारे में जानकारी भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं गुजरात सीरीज का एपिसोड नंबर 9। होटल में चेक इन करने के बाद हम राजकोट की लोकल मार्केट में घूम रहे हैं। जी दोस्तों, नेक्स्ट डे आज हमें राजकोट में, और सबसे पहले जा रहे हैं वो घर देखने जहाँ पर गांधी जी कुछ टाइम तक रहे थे। फिर हम गांधी म्यूजियम जाएंगे। राजकोट में कौन कौन सी देखने के लिए जगह है ये देखेंगे आप आने वाले एपिसोड में। और होटल से चेकआउट अब हम कर रहे हैं। आज डे 7 है हमारी ट्रिप का। राजकोट आज का शहर जिसे एक्सप्लोर किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं गांधी जी के घर में। चलिए साथ चल के महात्मा गांधी जी के बचपन के घर की सैर करके आते हैं। अभी हम लोग उस गली में हैं जहाँ पे एक क्लेम किया जाता है कि गांधी जी का परिवार कुछ वक्त तक रहा था। तो ये है जी कबा गांधी नोडेलो। लीजिए अभी मैं खड़ा हूँ कबा गांधी नोडेलो यानी गांधी जी के परिवार के घर के पास। ये है राजकोट। टाइमिंग 9 से 10 शाम को 6 बजे तक है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि किस तरह की जगह है। आप जब गेट से एंटर करते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। और ये वो जगह बताई जाती है जहाँ पर महात्मा गांधी जी का परिवार कुछ वक्त तक रहा था। ये कमरे हैं जहाँ पर अभी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बनाया गया, कभी यहाँ फैमिली रहा करती थी उनके। ये दरवाज़ा जिससे आप अंदर आएंगे। गांधी जी खुद बहुत बड़े राम भक्त थे, तो हर जगह आपको हे राम लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही एक वॉल बनाई गई है जिस पर हे राम लिखा है। अच्छा, इनका कहना है कि महात्मा गांधी जी ने खुद अपने हाथ से लिखा, उनकी खुद की हैंड राइटिंग है गुजराती में। देख ली आपको मैं थोड़ा बता दूं कि काबा गांधी नोडेलो क्यों कहा जाता है इसको। मोहनदास करमचंद गांधी के जो पिताजी थे मिस्टर करमचंद गांधी,
उनको घर में लोग काबा कहा करते थे। काबा जब दीवान बने तो जन्म तो उनका पोरबंदर में हुआ गांधी जी का। जन्म होने के कुछ टाइम के बाद काबा यानी कि करमचंद गांधी वो आ गए राजकोट। तो राजकोट के वो दीवान जब बने तो दीवान बनने पे वो घर में शिफ्ट हुए और यहीं पर गांधी जी का बचपन बीता। 7 साल की उम्र में यहाँ आए थे और बैरिस्टर बनकर लंदन जाने तक शादी के बाद 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, तो तब से वो यहाँ पर रहे। तो देखिए साउथ अफ्रीका, लंदन, कितनी बड़ी जगह घर ने इस परिवार की देखी है। तो जब भी आप राजकोट आएँ तो इस जगह को ज़रूर विजिट करिएगा, ये एक शानदार एक्सपीरियंस होगा। इतनी जानकारी गांधी जी के बारे में जानने को आपको यहीं पर मिल सकती है। और अच्छी चीज़ ये है कि जिस घर में वो रहे, जहाँ वो खाते थे, जिस घर में खाने पूजा करते थे, तो पूरा परिवार जहाँ रहता था, जहाँ पर उनकी शादी हुई, उनके दो बच्चों का जन्म हुआ, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को, सुनने को, समझने को मिलती हैं। फुली रिकमेंडेड, राजकोट आए तो ये जगह ज़रूर विजिट करिए। काबा नो डेलो यानी गांधी जी के पिताजी का मकान, उसको जगह को छोड़कर अब हम चल रहे हैं महात्मा गांधी म्यूजियम की तरफ। हिस्टोरिकल सिटी है तो यहाँ पुराने मकान आपको हर गली मोहल्ले में नज़र आ जाएंगे। ये देखिए, अगर आप इजीली पहुँचना चाह रहे हैं अनफर्ड हाई स्कूल तो अब गूगल मैप पे आपको बोलना होगा मोहनदास गांधी हाई स्कूल, ये आपको लेके जाएगा अनफर्ड हाई स्कूल पर, जो बाद में गांधी म्यूजियम में कन्वर्ट करते हैं। तो हम उसके बैक साइड पर हैं, इसका गेट लेफ्ट टर्न करके दूसरी तरफ बैक साइड पर है सरोजनी बकासी के, और हम यहाँ इंजॉय कर रहे हैं कुछ साउथ इंडियन फूड जैसे इडली, मेंदू वड़ा, डोसा, ये सब चीज़ें आपको मिलेगी यहाँ। देखते हैं खाने की क्वालिटी कैसी और मैं बताऊँगा थोड़ी देर के बाद। लीजिए खाना खाने के बाद सरोजनी साउथ इंडियन फूड पे मज़ा आ गया जो कि बहुत स्वाद था। ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी गांधी म्यूजियम घूमने के लिए आए तो उस तरफ जाके खाना ज़रूर खाइएगा, बहुत स्वाद है। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं महात्मा गांधी म्यूजियम और देखते हैं अंदर का नज़ारा किस तरह का है। फोटोग्राफी कहते हैं अलाउड नहीं है, फिर भी बाहर से तो हम शूट कर ही सकते हैं आपके लिए। बिल्डिंग कुछ इस तरह की है, ये कठियावाड़ स्कूल हुआ करता था पहले, जिसे बाद में चेंज करके अनफर्ड हाई स्कूल बना दिया गया। आजकल गूगल मैप पर ये अवेलेबल है मोहनदास स्कूल के नाम से। बाहर गेट से नज़ारा कुछ इस तरह का दिखेगा दोस्तों, और चलिए बढ़ चलते हैं अंदर की तरफ। टिकट का रेट बहुत कम रखा गया है, चिल्ड्रंस अप टू 12 ईयर्स 10 रुपीज़ हैं एंड अबाउट 12 ईयर्स एडल्ट और सबके लिए सिर्फ 25 रुपये की टिकट है। यहाँ पर एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है, उसकी टिकट भी 25 रुपये की है। प्रोफेशनल कैमरा जैसा मेरे पास है तो इसके लिए चार्ज किया जाएगा 500 रुपये, और अगर आपके पास स्टिल फोटोग्राफी वाला कैमरा है तो 100 रुपये में आप लेके अंदर शूटिंग कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। हाँ, टाइमिंग के बारे में मैं आपको बता दूँ, टाइमिंग सुबह 10 से लेके 7 बजे तक का है। लास्ट एंट्री 5 बजे होती है, 2 घंटे आपको देख करके बाहर आने के लिए मिलते हैं। तो 5 बजे के बाद टिकट लेके अंदर जाना अलाउड नहीं है, 10 बजे आप टिकट लेके कभी भी उसे 5 बजे तक एंट्री ले सकते हैं। मैं जो बात कर रहा था लाइट एंड साउंड शो की, वो 7 PM टू 7:20 PM है, यानी कि सिर्फ 20 मिनट के लिए है। तो अगर मैं इस वक्त आया हूँ सुबह को या दोपहर को 12 बजे तो नहीं अलाउड होगा, मतलब नहीं देख सकूँगा साउंड एंड लाइट शो, उसके लिए इवनिंग में आना चाहिए आपको। बिल्डिंग कुछ इस तरह से दोस्तों, ये पार्किंग स्पेस है, यहाँ पर एम्पल पार्किंग स्पेस मिलेगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। सो लीजिए, टिकट ले ली गई है, मैंने 100 रुपी कैमरा का पे किया है, और साथ में मुझे मिला है ये एक रूट मैप की तरह है म्यूजियम का। 25 रुपये का टिकट है तो 2 टिकट मुझे मिली 50 रुपये में। राजकोट का हमारा जो दूसरा अटैक्शन था महात्मा गांधी म्यूजियम, जिसको अल्फर्ड हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है, गूगल पे अगर आप जैसे सर्च करेंगे तो महात्मा गांधी स्कूल के नाम से सर्च करिएगा। म्यूजियम के नाम से अभी तक अपडेट नहीं हुआ क्योंकि 2018 में ही इसे म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है। पहले ये अल्फर्ड हाई स्कूल या फिर महात्मा गांधी विद्यालय के नाम से जाना जाता था। टोटल 39 अलग अलग रूम्स बनाए गए हैं, हर रूम में गांधी जी के जिंदगी के चरित्र को दिखाया गया है, स्टार्टिंग उनके बर्थ से लेकर या उनके पुराने जो फैमिली ट्री है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और बढ़ते 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 उनकी मृत्यु तक का पूरा ऐसे देखेगा जैसे आप एक सीट पे बैठ के कोई मूवी देखते हैं या आप चल करके कोई मूवी देख रहे होंगे। पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा है, अलग अलग कमरे हैं, थोड़ा लेंथी लग सकता है कुछ लोगों को बिकॉज इतने टाइम तक इतने सारे कमरे देखते रहना, बट ये शानदार एक्सपीरियंस है। 25 रुपये में गवर्नमेंट अगर आपको इतना कुछ एक्सपीरियंस करने को दे रहा है, ऐसी रेयर फोटोग्राफ, रेयर लेटर्स, रेयर डॉक्यूमेंट्स, और वो कमाल के प्रोजेक्टर से बनी हुई स्क्रीन, वो
वीडियोस देखने को मिलेंगी जो शानदार एक्सपीरियंस होगा। फुली रिकमेंडेड है, राजकोट आए तो गांधी म्यूज़ियम और उनके पिताजी का घर वो ज़रूर देखिएगा। एक दो हाईलाइट हैं, दो फ्लोर में डिवाइड किया गया है गांधी म्यूज़ियम को। ग्राउंड फ्लोर में आपके पास टोटल 17 गैलरी हैं और बाकी ऊपर के फर्स्ट फ्लोर पर गैलरी, टोटल 39 गैलरी आपको देखने को मिलेंगी। आप आएँ तो यहाँ ज़रूर आइए। नॉर्मली हमें यह बताया गया था कि 4 घंटे का टाइम लगता है देखने में, 4 आवर्स, 2.5 घंटे का टाइम हमें लगा। 2.5 घंटे में हमने पूरा म्यूज़ियम देखा है, अच्छे तरीके से देखा है। बेस्ट पार्ट अगर मैं एक कहूँ जो टेक अवे मेरा है, वो है गांधी जी की ओरिजिनल लैंग्वेज में उनका भाषण सुनना। हेडफोन लगा कर जब आप उस भाषण को सुनते हैं तो उसका मज़ा ही अलग है। महात्मा गांधी जी की स्पीच उनकी भाषा में ओरिजिनल मैं अभी सुन रहा हूँ। स्टिल कैमरा यानी कि DSLR ले जा सकते हैं आप, 100 रुपये चार्ज करते हैं, और वीडियो कैमरा अलाउड नहीं है किसी भी कंडीशन में। 2 बोर्ड पर 500 रुपये लेकर के लिखा हुआ था, वो नहीं ले जा सकते। मोबाइल कैमरा का कोई पैसा नहीं लगता है, मोबाइल कैमरा पैसे ले जाओ, वीडियो रिकॉर्ड मत करो, फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हो। तो ये थी जानकारी आपके लिए महात्मा गांधी म्यूज़ियम के बारे में। अब हम यहाँ से निकलेंगे अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। अंदर ही चरखाई ट्री के नाम से एक ईटिंग जॉइंट बनाया गया है जहाँ पर आप आकर के खाना खा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि खाने में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों ये है गुजराती थाली, 120 रुपीज़, सात्विक थाली के नाम से ये मिलेगा आपको यहाँ पर। गांधी म्यूजियम देखने के बाद अगला डेस्टिनेशन है हमारा जुबली गार्डन और वहीं पे वॉटसन म्यूजियम, दोनों देखते हैं और बताते हैं कि किस तरह का रहेगा एक्सपीरियंस। गांधी म्यूजियम से निकल के करीब 250 मीटर चलने के बाद आप पहुंच जाएंगे जुबली गार्डन। जुबली गार्डन, जुबली चौक, जो चौक का नाम ही जुबली गार्डन के नाम पर पड़ा है, जुबली चौक के एकदम राइट कॉर्नर पर मिलेगा आपको। यहीं पर एक पुरानी बिल्डिंग में लाइब्रेरी है और इस गेट से क्रॉस करके आप पहुंच जाएंगे वॉटसन म्यूजियम। तो इस तरफ मैं जुबली गार्डन में घूम रहा हूं, जुबली गार्डन के अंदर ही बनाया गया है वॉटसन म्यूज़ियम, यही है हमारा अगला डेस्टिनेशन। तो जिस तरह के रूल्स बाकी के म्यूज़ियम्स में होता है, सेम रूल्स यहाँ पर भी अप्लाई होंगे, कैमरा अलाउड नहीं होगा। चलिए चलते हैं एक बार वॉटसन म्यूज़ियम देखने के लिए। लीजिए हम पहुँच गए हैं वॉटसन म्यूज़ियम में। यह गुजरात टूरिज़म की तरफ से है, राजकोट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस म्यूज़ियम को मेंटेन करता है। जुबली गार्डन का ये मेन बिल्डिंग और इसके सामने है वॉटसन म्यूज़ियम। टाइमिंग 5 बजे तक है, 5 बजे वॉटसन म्यूज़ियम बंद हो जाएगा। तो जब भी आप आ रहे हैं तो 5 बजे से पहले ही आपको यहाँ आना है। जैसे कि बोर्ड पर लिखा है वेडनेसडे को वॉटसन म्यूज़ियम बंद रहता है और इसी तरह से सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे को भी। वॉटसन म्यूज़ियम के बारे में थोड़ी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप जब आएंगे तो 5 रुपये का टिकट है पर पर्सन। अगर आपके पास स्टिल कैमरा है तो चार्ज किया जाएगा आपसे 100 रुपये। अगर आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो 500 रुपये का है चार्जेस, अनटिल अनलेस आप प्रोफेशनल हैं मत लीजिए। मोबाइल कैमरा का भी 100 रुपये ही चार्ज होता है, वीडियोग्राफी उसमें प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं होगी। क्या है खास वॉटसन म्यूज़ियम में तो मैं आपको बता दूँ, हड़प्पा संस्कृति की पुराने टाइम की चीज़ें, अलग अलग जो कुछ की संस्कृति है वो आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बहुत सारे मेटल, स्टोन और अलग वुडन के आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इसी तरह से अगर आप जाएंगे एक और सेक्शन में तो वहाँ पर हर तरह के एनिमल को स्टफ करके रखा गया, प्रिजर्व करके, सो दैट आने वाले टाइम तक उनको स्टोर करके रखा जाएगा। इसमें स्नेक्स होंगे, इसमें क्रोकोडाइल हैं, इसमें ढेर सारे बर्ड्स, सी एनिमल्स और बटरफ्लाइज, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती। मुझे ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, चीज़ अच्छी है, देखा जा सकता है। एक और चीज़ यहाँ पर है, आपको मिनरल्स को लेकर के एक मैप दिखाया गया है किस किस जगह पे गुजरात में कौन कौन से मैप हैं, स्पेशली कच्छ में इस रूप में, वो भी शानदार एक्सपीरियंस है। तो वॉटसन म्यूज़ियम हम देख करके बाहर निकला है करीब 40 या 45 मिनट में। लीजिए वॉटसन म्यूज़ियम देखने के बाद हम पहुँच गए हैं जुबली गार्डन में। जुबली गार्डन में जब भी आप देखेंगे तो ये पीछे जो स्कल्पचर नज़र आ रहा है ये ज़्यादा पॉपुलर, लोग इसको ज़्यादा देखते हैं। उम्मीद है राजकोट शहर और उसके बारे में ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा।
अगले एपिसोड में मैं आपको जूनागढ़ की सैर करवाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।